on Educare, Sky Educare. And this is the 30-day challenge, how to speak in English. It is a child's play to speak in English, isn't it? Yes, it is. Wow, your English is very good. Thank you, sir. तो जब जब हम लोगों में इम्प्रूवमेंट आता है तो हम में कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आता है तो हेजिटेशन भाग जाता है. Am I right? Yes, you are absolutely right. You are absolutely right. You are absolutely right. मैं तो यही कहता हूँ. My name is Kuldeep. My name is Kuldeep. I am from Sikar. I am from Sikar. I can speak two languages. I can speak two languages. The first one is Hindi. The first one is Hindi. And second one is international language, English. और जब जब मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं कहता हूँ आई डोंट नो हिंदी. क्या कहता हूँ? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती और दो तलवार रखनी भी नहीं है. यदि एक ही तरीके से आपको अच्छे ढंग से इंग्लिश सीखनी है. वेद सोनी, वेरी गुड इवनिंग. अमन चक्रवर्ती, हाय, हेलो एवरीवन. सुधीर पाल, निशा कुमारी, नमस्ते नमस्ते. नमस्कार एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेल डन. तो हमें एक लैंग्वेज लेनी है और वो लैंग्वेज है इंग्लिश, इजंट इट? यस इट इज. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. कैन यू राइट इन इंग्लिश? यस आई कैन राइट इन इंग्लिश. कैन यू रीड इन इंग्लिश? यस आई कैन रीड इन इंग्लिश. कैन यू टॉक इन इंग्लिश? यस आई कैन टॉक इन इंग्लिश. यस आई कैन. क्या कहते हैं? यस आई कैन. मेरे लिए तो आसान है. इट्स चाइल्ड्स प्ले. क्या कहते हैं? इट्स चाइल्ड्स प्ले. आपके लिए भी आसान है क्या? यस इट्स चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. यस इट्स चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. और दोस्तों हमने तो यही कहना सीखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. क्या कहते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. Nothing is impossible. The word itself says I am possible, isn't it? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. चलो बात करते हैं. Let's talk. Let's talk. क्या कहोगे? Let's talk. मेरे पास एक आइडिया है. I have an idea. आपके पास भी है क्या? Do you have an idea? Yes, I have an idea. Yes, I have an idea. तो आज आप स्क्रीन देख करके पता लगा सकते हैं क्या होने वाला है. What is day today? प्रजापति, वेरी गुड. सर हमको भी सीखनी है. शिवम गुप्ता, मोस्ट वेलकम. हम तो बैठे ही सिखाने के लिए है. सीखने के लिए बड़ा इजी प्रोसेस है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. क्या कहेंगे? लिसनिंग एंड स्पीकिंग. एम आई राइट? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. इज इट इजी? यस इट्स चाइल्ड्स प्ले. इट्स चाइल्ड्स प्ले. क्या कहेंगे? इट्स चाइल्ड्स प्ले. तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ आई एम. I am. You are. You are. Girls के लिए कहते हैं. She is. और boys के लिए कहते हैं. He is. He is a boy. He is a boy. She is a girl. She is a girl. हाँ, कई लोग सुनकर के कहते हैं सर ये तो बहुत नई बात बताई, मुझे तो पता ही नहीं था ये लड़का है. Am I right? Yes, you are. हाँ, तो इन पे आश्चर्य मत करिए, पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये लेवल ओ है. ओ का मतलब ओ. यस दिस इज ओ, बिगिनिंग. तो जब बिगिनिंग करते हैं तो बिगिनिंग में हमें छोटी छोटी चीजों का ज्यादा हेडेक लेनी नहीं होती है. एम आई राइट? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट बेस आपको क्लियर करना है. सर आप इसका एजुकेट पर नहीं हो क्या? कौन कौन नहीं है भाई? सब इसका एजुकेट पे है. कौन छूट गया यहाँ से? लेट्स टॉक. वेरी गुड. नो सर आई नो हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज हिंदी इज माई मदरहुड लैंग्वेज. मदर टंग. यस मदरहुड लैंग्वेज. मेरी माँ तो राजस्थानी बोलती है भाई. माई मदर स्पीक्स इन राजस्थानी. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई लाइक इट. नमस्कार सर. नमस्कार धनराज मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग. और कौन कौन आ गए हैं? पूजा आ चुकी है, वेरी गुड इवनिंग पूजा. एंड शाहरुख खान, वेरी गुड इवनिंग शाहरुख खान. कभी कभी कहाँ खो जाते हो बालक, रेगुलर आया करो. जितना रेगुलर रहोगे उतना. और हाँ एक बात, हमारी टीम कहती है भैया आप इसको शेयर कर दिया करो, इजंट इट? यस इट इज. हाँ फटाफट शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं कहना भूल जाता हूँ, आदत नहीं है ना. इट्स नॉट इन माय हैबिट. क्या कहते हैं? इट्स नॉट माय हैबिट. तो आप खुद से मान लिया करो कि इसे शेयर करना है और शेयर करके अपना स्टेटस लगा देना है. स्टेटस से जितने लोग आते हैं उनको आप थैंक्स भी कह दिया करें, इजंट इट? यस इट इज. तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं व्हाट इज देयर फॉर द क्लास एंड व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द क्लास. क्लास 22nd. वाओ 22 दिन हमें हो चुके हैं. इट इज डे 22nd एंड 8 डेज टू रीच. कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाट इज कम्युनिकेशन? एनीबॉडी विल टेल मी? फटाफट जिन जिन को पता है रेज देयर हैंड. कम्युनिकेशन को कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करके बता दीजिए. वेरी गुड. 1 2 3 4. यस रेज योर हैंड. ये वाला ना, ये वाला बता दीजिए.
कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई बता पाएगा यहाँ से? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज टू सेंड मैसेजेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. वेरी गुड. टू सेंड मैसेजेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. वाओ. एनीबॉडी एल्स और कुछ? यस, ट्राई टू टेल. टू सेंड मैसेज एंड इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड. यस डियर. To send messages and information from one place to another place, and there are two types of communication. The first one is verbal and second one is non-verbal. And verbal means use of mouth and non-verbal means without use of mouth and style of body. Wow, language. Very good. So it sounds good. सुनके अच्छा लगता है. Sir, your voice is not coming well. Voice नहीं आ रही है, क्या बात हो गया भाई? थोड़ा सा नेटवर्क चेक करके देखो. देखे वॉइस प्रॉब्लम सर, अभी हुआ है क्या वॉइस प्रॉब्लम? ओ माय गॉड, लेट मी चेक. जस्ट अ मोमेंट, इट्स ओके. ओके, सम टाइम इट मे बी, हो सकता है. रवि रंजन कैसा लग रहा है? रवि रंजन आवाज आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग वेल. हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो. यस, इट इज ओके नाई सर, वॉइस क्लियर है. थैंक यू प्रिया, प्लीज कंटिन्यू सर. थैंक यू. वॉइस प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. प्लीज हैव योर सीट्स. थैंक यू सर. कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास 22nd, एंड 22nd में हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन में हम दो होते हैं, वी नीड टू कम्युनिकेट. दो लोग होते हैं, फर्स्ट वन इज आई एंड सेकेंड वन इज यू. एक बार फिर से बताइए. फर्स्ट वन इज आई, सेकेंड वन इज यू. फर्स्ट वन इज आई, फर्स्ट वन इज आई, सेकेंड वन यू. ये दोनों लोग मिलकर के हम कम्युनिकेशन करते हैं. एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. वाओ. तो यहाँ हम आज देखिए बड़ा सिंपल सा काम लेने वाले हैं, और ये सिंपल काम क्या हो सकता है देखते हैं. यस, दिस इज हाउ टू प्रिपेयर अ टी. चाय कैसे बनाई जाए? तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसमें एक वर्ड और आता है स्किल्स. क्या आ रहा है? स्किल्स. तो कोई ये बताएगा कि स्किल्स क्या होती है? इज देयर एनीबॉडी? क्वाइट प्रिया, यस सर अभी हुआ है. थैंक यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. वॉइस प्रॉब्लम अभी हुआ है या खत्म हो चुका है? सर प्लीज स्टार्ट द सेशन. यस आई हैव स्टार्टेड. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, नो प्रॉब्लम, द वॉइस इज क्लियरर. आई एम ऑल्सो लिसनिंग टू अनादर वॉइस, अनादर ऑडियो एंड ऑन अनादर चैनल, दैट इज क्लियर आई थिंक. ओके, द वॉइस इज डिलेड. हैपन्स. लेट्स सी व्हाट इज द इश्यू. माई क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज स्किल? ये स्किल क्या है? चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. यदि वॉइस में प्रॉब्लम है तो आपको बताना है व्हाट इज स्किल. स्किल क्या होती है, कौन बताएगा? गुड इवनिंग अंतर्यामी बाबा, वेरी गुड इवनिंग. मनोज, वेरी गुड इवनिंग. यस, वेल डन गाइज. नाउ आई थिंक द वॉइस इज क्लियरर, एज लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ वॉइस इज देयर, सो ट्राई टू मैच इट. वेरी गुड. सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड आफ्टर दैट व्हाट इज स्किल? हु विल ट्राई? दोज हु नो प्लीज ट्राई टू रिप्लाई.
Yes, now it is on. आया हेलो चेक लेडीज एंड जेंटलमैन सर आवाज नहीं आ रही है माइक डन वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन वॉइस सॉरी सर आई हैव टू गो नो नीड टू गो डोंट गो डोंट गो वेट एंड वॉच इट टेक सम टाइम कृपया थैंक्स सर अब ठीक है ओके वेरी गुड सो नाउ द टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर टी अब देखिए जहां हाउ टू आता है वहां स्किल्स स्टार्ट हो जाती है क्या होता है हाउ टू का मतलब ही क्या होता है स्किल्स होती है तो जब भी किसी काम को हम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं वही क्या बन जाती है स्किल बन जाती है तो यहां कम्युनिकेशन को भी हमें क्या कन्वर्ट कर देना है स्किल्स में कन्वर्ट कर देना है आपको रोज रोज स्किल्स रोज रोज प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इजंट इट यस इट इज वेरी गुड प्रिया अंतर्यामी बाबा अब ठीक है थैंक यू वेरी मच द वॉइस इज क्लियरर नाउ मेरे पास जब भी आइडिया होता है तो मैं तो कह देता हूं आई हैव एन आइडिया तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम चाय बना सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ टी अब यहां चाय बनाने के लिए कहते हैं ऑल यू नीड टू डू टू मेक अ कप ऑफ टी इज हॉट वाटर मिल्क स्पाइस एंड टी यस आपको इतनी ही चीजों की जरूरत होती है कौन कौन सी चीजें हॉट वाटर मिल्क स्पाइसेस एंड टी यदि आप मसालेदार चाय बनाना चाहते हो तो इन चीजों की आपको आवश्यकता होती है देखिए कौन कौन सी चीजें आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाएगी और एक बार आप टाइप करके देख लीजिए शारदा वेरी गुड आई हैव एन आइडिया नाइस आइडिया मनोज निर्मल कृपा थैंक यू मोस्ट वेलकम अब आवाज क्लियर आ रही है वेल रुकना नहीं है झुकना नहीं है रुके ना तू झुके ना तू बस चलते रहना है कारवा बनता रहेगा लोग आते रहेंगे और इसलिए तो कहते हैं आई एम द बेस्ट आई एम द चैंपियन क्या कहेंगे आई एम द बेस्ट आई एम द चैंपियन स्टॉप इफ यू कैन वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंस प्लीज हैव योर सीट थैंक यू सर साथियों दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी आती रहती है जाती रहती है चलती रहती है बट ह्यूमन यस आप हमेशा चलते रहेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ एक ही चीज याद रखनी है आई कैन डू इट क्या बोलेंगे कैन यू यस आई कैन डू आई कैन तो हमें चाहिए वाटर मिल्क स्पाइसेस एंड टी बट इफ यू वांट टू मेक देयर आर अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप्स तो दुनिया में बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनसे चाय बनाई जा सकती है अ प्रॉपर कप ऑफ टी यू शुड टेक यदि आपको एक प्रॉपर कप ऑफ टी आप लेना चाहते हैं इट विल एलिवेट योर टी एक्सपीरियंस एंड मेक योर टी टेस्ट बेटर जैसा टेस्ट आप चाहते हैं उसी तरीके की आप चाय बना सकते हैं आई एम कृतिका गर्ग फ्रॉम 12 वेरी गुड कृतिका आई कैन डू इट जिन जिनको चाय बनानी आती है फटाफट एक डन लगा दें कि ये चाय बना सकते हैं आई नो हाउ टू प्रिपेयर क्या बोलते हैं आई नो हाउ टू प्रिपेयर तो मुझे चाय बनानी आती है तो मैं कहता हूँ आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी मुझे तो पेड़ पे चढ़ना आता है आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री क्या बोलेंगे डू यू नो यस आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री Yes, I know how to climb up a tree. तो जो काम हम करते हैं जो एक्सपीरियंस से होता है उसके लिए हम हमेशा कहते हैं हाउ टू क्या कहते हैं हाउ टू अब देखिए जो जो काम आपको आते हैं उनके लिए हम कहते हैं आई नो हाउ टू क्या बोलेंगे आई नो मैं जानता हूँ आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है तो क्या कहेंगे आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री Really? Yes. What is there? Sir, okay, no problem. Le lijiye. 30 seconds. Done. I know how to climb up a tree. मुझे पता है कि पेड़ पे कैसे
चढ़ा जाता है. आराम से चढ़ जाइए. यस, मे आई गो आउट? आई नो हाउ टू प्रिपेयर ट्री. आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री. और ये भी चीज कही जा सकती है, आई नो हाउ टू अपरूट. अपरूट का मतलब उखाड़ना. आई नो हाउ टू अपरूट द ट्री. मुझे पेड़ उखाड़ना भी आता है पर सीखना नहीं है. Isn't it? Yes, it is. Yes, मुझे और क्या क्या आता है? आई नो हाउ टू स्टिच अ क्लॉथ. क्या कहेंगे? आई नो हाउ टू स्टिच अ क्लॉथ. यस, फटे हुए को सिलना है. आई नो हाउ टू स्टिच अ क्लॉथ. कपड़ा कैसे सिलते हैं? आई नो हाउ टू स्टिच अ क्लॉथ. तो आप आराम से, तो जो जो काम आपको आते हैं, देखिए आपको और क्या क्या आते हैं. आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री. मुझे इंग्लिश बोलना आती है तो क्या कहेंगे? आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. कैसे बोलेंगे? आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. तो देखिए कौन कौन से काम हो सकते हैं. आई नो हाउ टू. क्या कहेंगे? वेरी गुड. I know how to drive a car. I know how to prepare a tea. That's all. Excuse me, sir. Will you take water? No, I won't. Okay, it will go. Kar dijiye. 30 seconds only. Take your time. Thodi si awaaz sync nahi ho rahi hai. Do you know? Do you know? To sawal ye puchhenge. Do you know? Do you know? How to climb up a tree? आई डोंट नो स्पीक टू इंग्लिश. आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. वेरी गुड अंतरियामी. कैसे बनेगा? आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड. वेरी गुड प्रियंका. वेरी गुड प्रिया शारदा. आई नो हाउ टू प्लांट ट्रीज. वेरी गुड. आई नो हाउ टू रीड द क्लॉक. कमलेश वेरी गुड. I know how to climb up a tree. Very good, Manoj. Ruchi Jangid. I know how to prepare tea. Very good. अब देखिए आपको और क्या क्या काम आते हैं. देखिए आपको चार पांच बार टाइप जरूर करना है. प्रिया सोनकार. यस. अब क्लास. थैंक्स अ लॉट टेक्निकल टीम. यू डन इट. यू हैव डन इट. आपने कर दिखाया. आई लाइक इट. हाँ, टेक्नोलॉजी चाहे कितने भी आगे चले, हमारे शेयर उससे आगे चलते हैं. आई लाइक इट. थैंक्स अ लॉट. नरेंद्र जी कटारिया. वॉइस डन. थैंक यू वेरी मच. आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. तो आपको कौन कौन से काम आते हैं? मुझे ब्रश करना आता है. आई नो हाउ टू ब्रश द टीथ. मुझे पॉलिश करना आता है. आई नो हाउ टू पॉलिश द शूज. क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू प्रिपेयर मार्क्स. वेरी गुड. आई नो हाउ टू प्रिपेयर फोर मार्क्स. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आई नो हाउ टू स्पीक. यस. देखिए आपको ऐड कहाँ करना है? स्पीक इंग्लिश. आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. ये भी कह सकते हैं. हाउ टू स्पीक इंग्लिश ये भी कह सकते हैं. आई नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स. आई नो हाउ टू prepare for exams. Very good. I know how to teach students. I know how to teach students. ये देखिए फटाफट बनते जा रहे हैं. I know how to. क्या कह रहे हैं? I know how to jump. पोचा लगाना. लगाने को क्या बोलेंगे? Mop the floor. पोचा लगाने को क्या कहेंगे? Mop the floor. I know how to mop the floor. I know how to mop the floor. वेरी गुड. आई डोंट नो हाउ टू टेक टी. ओके, चाय पी कैसे जाती है? मैं नहीं जानता. ऐसे भोले भाले सीधे साधे लोग भी है. सल्यूट. क्या कहते हैं? आई एम यू आर. गर्ल्स के लिए कहते हैं शी इज. और बॉयज के लिए कहेंगे ही इज अ बॉय. सी इज अ गर्ल. सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. आई एम अ स्मार्ट बॉय. आई नो हाउ टू मॉप द फ्लोर. वेरी गुड शाहरुख. आई लाइक इट. I know how to respect guest. Wow, ये बहुत अच्छी बात है. I know how to respect. आए हुए लोगों का स्वागत कैसे करते हैं? I know how to respect girls. ये लिख देते हैं. मुझे ये भी आता है कि लड़कियों की respect कैसे करते हैं. I know how to respect girls. Isn't it? Yes, it is. Yes, it is. और जब easy लगता है तो कहते हैं it is child's play. क्या कहेंगे? Child's play. I am. Smarter. Are you smarter? Yes, I am smarter. अब देखिए सवाल पूछें. आप सवाल पूछ सकते हैं. Do you know how to? क्या कहेंगे? Do you know how to? आपको पता है चाय कैसे बनाई जाती है? Do you know how to prepare tea? Do you know how to prepare tea? आपको पता है कैसे क्लास ली जाती है?
डू नो हाउ टू टेक क्लास, क्या कहेंगे? डू यू नो हाउ टू टेक क्लास? हाँ, आपको पता है पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है? डू यू नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री? डू यू नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री, क्या कहेंगे? डू यू नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री? आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री, क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री. और नहीं पता तो बोलेंगे सॉरी, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री. अब देखिए, जो चाय बनानी है इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, थोड़ा आगे चल लें क्या दोस्तों? यस सर. यस, तो यहाँ हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीजें हमें जरूरत होती है. अब देखो मैं क्या क्या उठा लाया. यस, आपको सबसे पहले चाहिए गैस स्टोव, उसके बाद चाहिए पैन इसको जलाने के लिए, माचिस होती तो आग लगा देता, मैच बॉक्स, लाइटर, वेरी गुड. आपको लाइटर चाहिए, तो क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वेरी गुड पेन स्टोव एंड लाइटर. इजी? डू यू नो, डू यू नो हाउ टू रेस्पेक्ट गेस्ट? यस आई नो हाउ टू रेस्पेक्ट गेस्ट. आई एम अ स्मार्ट गर्ल. थैंक यू निशा, यू आर रियली स्मार्ट. रुचि, आई नो हाउ टू मॉप द फ्लोर. और लॉकडाउन में तो ज्यादातर लोग सीख गए हैं, इजंट इट? यस इट इज. ये तो पास टाइम हो गया, जब टाइम पास नहीं होता तो पोछा लगा लेते हैं, घर को एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं. दिस इज माई पास टाइम, दिस इज माई हॉबी. आई एम जय कुमार फ्रॉम पुणे, मोस्ट वेलकम जय कुमार. लाइटर, लाइटर, LIGST, लाइटर, इसको क्या कहेंगे? लाइटर. तो हमें क्या चाहिए? स्टोव चाहिए, STOVE. स्टोव के साथ साथ हमें पेन चाहिए. यस, पेन के साथ साथ एक चीज चाहिए इसको जलाने के लिए, लाइटर, LIGSTER, लाइटर. अब देखो वाटर भी चाहिए, वी नीड वाटर, हमें वाटर चाहिए. या फिर टी लीव्स, पत्तियां चाहिए, टी लीव्स. ओ, जो मिल्क वाली चाय बनाना चाहते हैं उनको क्या चाहिए? मिल्क, MILK, मिल्क चाहिए. और क्या चाहिए? सम स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस चाहिए. यस, वी नीड सम स्पाइसेस, मिल्क एंड सुगर. यस, ये ब्राउन सुगर है, थोड़ी भूरे कलर की है इसलिए हम कह रहे हैं ब्राउन सुगर. Isn't it? Yes, it is. Baba, water, sorry. Priyanka, Priya, sir, पेड़ पर चढ़ना तो आता है बट उतरने टाइम रोने लगती हूँ. बेटा सीढ़ी का यूज किया करो या फिर नीचे दो चार गद्दे लगा के जाया करो ताकि ऊपर से कूद जाओ. Am I right? Yes, you are. I did the same. I tried a lot to climb up a tree, but when climbing down, that is really hard. Isn't it? Yes, it is. थोड़ा वजन भी कम करो, आप घर बैठे बैठे खा खा करके. यस, लाइटर, वाटर, मिल्क, शुगर. तो जब हमें चाहिए तो हम बोलते हैं वी नीड, क्या कहते हैं? सेंटेंस बन रहा है ना वी नीड, क्या कहेंगे? वी नीड. अब हमें चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर समबडी नीड, किसी को भी चाहिए तो समवन भी कह सकते हैं, समबडी भी कह सकते हैं, समवन नीड, या फिर वन नीड, क्या कहते हैं? वन नीड. वहां क्या हो जाएगा? वन नीड्स, क्या हो जाएगा? अब क्या क्या चाहिए फटाफट बता दीजिए, देखिए सेंटेंस बना दीजिए. लॉन्ग को क्लॉव बोलते हैं, CLOVE क्लॉव. ये जो स्पाइसेस हमने बताया था ना, यहाँ आप क्लॉव ले लीजिए, CLOVE क्लॉव. ब्लैक पेपर ले लीजिए, BLACK ब्लैक, PEPPER पेपर. और क्या क्या चाहिए? कार्डमम चाहिए, कार्डामम जो इलायची कहलाती है. ओ माई गॉड, जिंजर, GINGER जिंजर. स्क्रीन पे कलर दिखाई दे रहे ना, रेड कलर. एम आई यूजिंग राइट कलर? यस गाइज. तो आपको क्या चाहिए? माई वेट 55 kg. सर मैं बहुत पतली हूँ, घर वाले मोटा करने के पीछे पड़े हैं. हो जाओगे बेटा, डोंट वरी, गर्ल्स को तो मोटा होने की टेंशन लेनी नहीं है. यस, यू विल गेट ऑटोमेटिकली योर वेट, यू विल गेन. यस, बहुत सारी लड़कियां तो सुबह सुबह दौड़ लगाती है पतला होने के लिए. सो डोंट वरी, बी हैप्पी. सर इट इज माई फर्स्ट क्लास. कार्तिका, ओके डोंट वरी. जिस जिन जिन की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल. एंड सेकेंड थिंग इज दैट बी रेगुलर, ट्राई टू बी रेगुलर एंड ट्राई टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज. ये सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश की प्ले लिस्ट में, डे फर्स्ट टू डे 22nd. सारे वीडियो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखने हैं, और फिर भी छूट जाए तो हमारा पेड कोर्स खरीद लेना है. Isn't it? Yes, it is. और जूम पे जो जो आ रहे हैं बड़ा आनंद उठा रहे हैं, उनके वीडियोज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आलिशान वीडियो होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे.
It is my first class. I am also, yes sir, sir, I am not regular. जो regular नहीं है 45 plus हो ही नहीं रहा वजन, इसके लिए आप बहुत अच्छा है कि केले के साथ दूध मिक्स करके पीजिए, आपका वजन ऑटोमेटिक गेन हो जाएगा. वेलकम कार्थिका. रवि रंजन सबका स्वागत करते रहा करो ताकि थोड़ा मेरा काम आसान हो जाए. सर लंबा होने के लिए बताएं दवा. लंबा होने के लिए तो आपको क्या करना है, यस ये वाला एक्सरसाइज करना है. एक पोल बांध देना है घर पे एक बांस, और उसके रोजाना आपको नोज टच करना है ऐसे खींच करके, और फिर आप ताड़ासन करिए ऐसे आराम से हो जाइए, और ताड़ की तरह ऊपर उठने की आदत डालिए, दौड़ लगाइए, खेलिए कूदिए, और फिर कुछ दवाइयाँ लीजिए. व्हाट्स योर क्लास टाइमिंग सर? लाल सिंह बिशन सिंह, टाइमिंग स्टार्ट्स एट 8 o'clock, एट 8 PM आवर क्लास स्टार्ट. तो मैं आपसे सेंटेंस की उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ. अभी सेंटेंस आ नहीं रहे, हमें सेंटेंस बनाना है. वी नीड, क्या चाहिए? अब देखिए जब भी सेंटेंस बनाओगे तो बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए स्टोव, पेन, लाइटर, कह सकते हैं. तो जो लास्ट सेंटेंस होगा उससे उस लास्ट वर्ड से पहले हमें बोला एंड. सो वी नीड ए स्टोव, ए पेन एंड ए लाइटर, क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए स्टोव, पेन एंड लाइटर. आप बना के छोड़ोगे, डॉक्टर टीचर सब कुछ पहले से ही हैं. वी आर ऑलरेडी, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ पेन, स्टोव एंड अ लाइटर. आफ्टर दैट सम स्पाइसेस लाइक, ये जो सारे के सारे मैंने चीजें बताई वो स्पाइसेस है, एस पी आई सी ई एस. वी नीड सम स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लॉव, ये लौंग होगा, ब्लैक पेपर, काली मिर्च होगी, कार्डमम इलायची होगी, सुगर एंड मिल्क, ये थोड़ा सा मिल्क लेंगे, वाटर लेंगे, टी लीव्स लेंगे, पत्तियां हमारे पास होंगी. तो बता दीजिए कि हमें क्या क्या चाहिए. वी मेक टी, आई यूज मिल्क, सुगर, ब्लैक पेपर. वेरी गुड सर. पेड कोर्स कैसे परचेज करें? हमारे एप्लीकेशन पे आपको आना होगा, और सबसे पहले इंटरेस्ट शो करना होगा कि कितना इंटरेस्ट यहाँ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं. Isn't it? Yes, it is. Yes, it is. तो आपके इंटरेस्ट को हम कॉपी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जूम पे लोग कितने आ रहे हैं. जूम की आईडी आप सभी को पता है, और जो देख रहे हैं जैसे प्रिया सोनकार रोज आ रही है, रेगुलर है, तो ये बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएगी. इसी तरीके से रुचिका रेगुलर आ रही है, तो रुचिका भी क्लास लेना सीख जाएगी. पूजा रोज आ रही है, पूजा के साथ आर्यन रोज आ रहा है, तनु रोज आ रही है. देर आर सो मेनी गाइज, मोर देन 14-15, दे आर रेगुलर. सो यू कैन बी ऑल्सो शो योर इंटरेस्ट. रजिस्टर्ड हो जाइए अपने ऐप पे, और रजिस्टर्ड होते ही आपको इधर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. वी मेक टी, आई यूज मिल्क. वी विल मेक 2 cup tea एंड आफ्टर दैट देन ड्रिंक विथ, यस टुगेदर वी विल टेक इट. साथ मिलकर के पियेंगे, आप होंगे, मैं होंगे और चाय होंगी. Isn't it? Well, so first of all we need, क्या क्या चाहिए देखिए. First of all we need a stove, pan and lighter, water, milk, sugar and some spices. Am I right? Yes, you are absolutely right. इनको हम बोलते हैं ingredients. क्या बोलते हैं? Ingredients. ये ingredients है. अब इनकी quantity कितनी चाहिए? उनको हम बोलते हैं quantifiers. क्या बोलेंगे? Quantifiers. Yes, sir, I am regular. Yes, Jay, you are regular. मैं भी तो daily आती हूँ. Yes, Nisha, you are also coming daily since last 4 or 3 days. हम भी रोज आते हैं सर. यस वेरी गुड. तो देखियो जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं उनका केवल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो जूम पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके तैयारी के साथ आते हैं और बोलते भी हैं, उनको इंग्लिश आना स्टार्ट होगी. और जिनको इस कोर्स को कंप्लीट करना है फॉर 3 months, उनको पॉलिशिंग होगी. तो ये तीनों लेवल है. आप अभी क्या कर रहे हैं? यस, चलना उठना सीख रहे हैं, उसके बाद आपको दौड़ना सीखना है, और दौड़ने के बाद लेवल आता है द फ्लाइंग लेवल. यू विल स्टार्ट फ्लाइंग एंड यू विल ट्राई टू चेज पीपल एंड ट्राई टू ओवरटेक देम विथ योर एनर्जी, जील एंड एंथुसियाज्म. सो यू विल गेन दैट ऑटोमेटिकली, बट इट टेक्स सम टाइम. सो ट्राई टू बी रेगुलर. सर नाइट में जूम क्लास नहीं हो रही है क्या? वेद सोनी आप ही बताओ. नो, नाइट में आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं रखी गई है, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड नेट इज वेरी स्लो ऑन दैट टाइम. रात में सारे लोग नेट के पीछे पड़े रहते हैं, तो सारी कंपनी इसको स्लो डाउन कर लेती है. यूट्यूब पे आप स्लो भी देख सकते हैं, लो क्वालिटी में भी देख सकते हैं, बट जूम पे यदि अटक जाते हैं तो
आप वापस रिप्लाई नहीं कर पाते, isn't it? Sir, I am not drink tea because my mom said to me tea is not better for my health. Yes, your mom is right. Never try to take tea. Try to take hot water with sugar. Try to take hot water with milk. You can take milk alone. So, यहाँ हमें सेंटेंस बनाने हैं. थोड़ा अगली स्लाइड में चलते हैं. इनको एक बार मिटा देते हैं. Yes, let's erase. Now, कौन कौन सी चीजें हटा देनी है, let's see. ये चला जा, कौन कौन चला गया भैया, आप चले जाओ, पेन का जाना है, आप चले जाओ और आप भी चले जाओ. अब कहते हैं हाउ टू प्रिपेयर टी. हाउ टू प्रिपेयर, देखो प्रोसेस तो वैसे पीछे आपको पूरी पूरी दिखाई दे रही होगी. हमें सबसे पहले क्या लेना है, वाटर, बॉइल्ड वाटर एंड टी लीव्स. वेट फॉर सम टाइम, एड शुगर, टेक सम मिल्क एंड नाउ स्टिर इट क्वाइटली एंड टेक हॉट. यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर. और क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट यू विल नीड. वैसे तो हमने जो चीजें चाहिए थी वो देख ली है, बट सिंपली टी बनाने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए. लूज टी, थोड़ी सी आपको हल्की फुल्की अलग से चाय चाहिए, बैग की जरूरत नहीं है. व्हेन इट्स जस्ट टी एंड वाटर, आई ऑलवेज चूज लूज टी ओवर टी सेसे और टी बैग्स. अब देखिए क्या लाइन लेने हैं, एक्सेसे नहीं लेनी है और टी बैग नहीं लेने हैं. आप लूज टी ले सकते हैं और आप यदि सेसे लेते हैं या फिर टी बैग लेते हैं वो भी अच्छा होता है, उसको थोड़ा छानना नहीं पड़ता और टेस्ट आप अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, क्योंकि उबालते समय टीज में टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उस चाय टी से आप बच सकते हैं. फिल्टर्ड वाटर, इससे थोड़ा टेस्ट बेटर हो जाता है. एंड टी पॉट विथ इन्फ्यूज़र, तो आपके पास इन्फ्यूज़र है और टी पॉट है तो आपकी चाय तैयार है. गर्म पानी लीजिए, टेक हॉट वाटर एंड इन्फ्यूज योर टी इनटू, डिप इट इनटू एज अकॉर्डिंग योर टेस्ट. आफ्टर दैट मेड एड शुगर एंड ट्राई टू टेक इट इजीली. फॉर द टी लीव्स टू अनफर्ल एंड स्टीप. इलेक्ट्रिक केटल, इफ यू हैव इलेक्ट्रिक केटल देन इट साउंड्स गुड विथ टेम्परेचर सेटिंग. If you can set your temperature, you can boil your water as much as you want. So this is the way to prepare tea. But simply, what do we need? First of all, we need a stove, pan and lighter. So light the stove with the help of lighter and put the pan on it. Well, now add some water. Thoda sa pani add kar dijiye into the pan and wait for some time. The water starts boiling. What will we say? The water starts boiling. Now add some tea leaves. Now the tea starts boiling. Wait for some time. So now I will write some sentences. First of all we need. First of all, देखिए आप जब भी बोलना start करेंगे तो बोलेंगे the first of all need. First of all, we need. हमें क्या चाहिए? We नीड. अब मैं छोटे छोटे उनके नाम लिखूंगा, स्टोव, पेन एंड लाइटर. उसके बाद हमें क्या चाहिए? मिल्क, वाटर, शुगर और साथ ही साथ स्पाइसेस भी चाहिए. एम आई राइट? स्पाइसेस में आपने क्या क्या देखा था? जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर, क्लोव. ये इतनी सारी. अब क्लोव कहीं लेते हैं नहीं लेते हैं, नो प्रॉब्लम. सो हम ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड स्टोव, पेन एंड लाइटर, मिल्क, वाटर एंड शुगर, सम स्पाइसेस लाइक जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर एंड क्लोव. इतनी सारी चीजें हम लेंगे. अब देखो बड़ा सिंपल है, पुट द पेन ऑन द स्टोव एंड लाइट द स्टोव विद द हेल्प ऑफ लाइटर. वेट फॉर सम टाइम द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. एड सम टी लीव्स. Wait for some time, the tea starts boiling. Now add milk in it. अब इसमें थोड़ा milk add कर दीजिए and wait for some time. After some time, add these spices like ginger, cardamom, black pepper and clove. Wait for one or two brews. Brews, जो उफान आ जाए, fermentation आ जाए, wait for one or two fermentation. Sir, 30 days बाद हम भी Zoom पर आएंगे. एक प्लीज खाली रखना, अभी प्रोनंसिएशन कर रहे हैं. वेरी गुड, आप आइए, मोस्ट वेलकम. आई एम रेगुलर, आई एम फर्स्ट डे. सर माय फर्स्ट डे, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम. आपका नाम भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, संकी.
Manoj, east or west, India is the best. Thank you very much. Ruchi, first of all, we need stove, pan, lighter, water, milk, sugar and spices. Very good. Kamlesh keh rahe hain. Secondly, we need some spices such as clove, ginger, cardamom, black pepper and some sugar. Very good guys. You are going very well. अच्छा बता रहे हो, अच्छे जा रहे हो. और लाइक थोड़े कम बढ़ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए. और चाय आपकी तैयार है. आफ्टर वन और टू ब्रूज फिल्टर इट इनटू द कप्स. अब क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना है. देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वाटर ऐड हो गया, टी लीव्स ऐड हो गई, स्पाइसेस ऐड हो गए. अब आपको क्या करना है, फिल्टर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीव. यहाँ हमने क्या एक छलनी लगा रखी है फिल्टर, दिस इज द हेल्प ऑफ सीव. इसकी सहायता से आपको इसे फिल्टर कर लेना है. आप सभी का स्काई एजुकेट पर स्वागत है. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच शारदा. आप स्वागत करते रहिए, कीप कंटिन्यू. तो यहां हम बात कर रहे हैं इस चाय की. अब आसान लग रहा है तो आप जो स्टूडियो में बैठे हैं समझ में आ रहा है कैसे बनानी है? यस सर. कैन यू टेल? यस सर. इज इट इजी? यस इट इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर लक्षित, प्लीज वेलकम हिम ऑन द स्टेज. Welcome. Okay. Hi guys, this is Lakshit Mal in front of you and today I'm going to tell about how to prepare a tea. So first of all, we need some things. For example, we need a stove, a pan and a lighter. Now put the pan on the stove and light the stove with the help of lighter. Now pour some water into the pan and wait for some minute. The water starts boiling. Now add some milk. Now add some milk and some spices and add some sugar also according to taste. Now filter it into the wait for 1 or 2 fermentation. After 1 or 2 fermentation, the tea is ready. So now filter it into the cups. That's all about how to prepare a tea. Fantastic. In one preparation, please have your seat. Thank you very much. इन वन प्रिपरेशन, एक ही तैयारी में यदि हम इतना कर सकते हैं तो हम 5-7 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्किल बन जाएगी. Isn't it? Yes, it is. सर मैंने स्काई एजुकेट डाउनलोड किया था पर आप उस पर नहीं थे. यस दिस दैट्स वाई. अभी देखिए स्काई एजुकेट मुझे क्यों अपना कोर्स लॉन्च करने देगी जब मुझे 5-7 लोग देखते हैं. तो थोड़ा थोड़ा आपने कह रहा हूं ना कि आप बिल्कुल ऐसा करने दीजिए कि लाइक बढ़ते जाने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ते जाने चाहिए, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए. अभी हम देख रहे हैं कि 5.5 लाख लोगों में से 100 लोगों को इंग्लिश बोलना सीखना है तो देखिए कितनी उपयोगिता है कोर्स डाउनलोड या अपलोड करने की. दिस मैसेज इज हेल्ड फॉर रिव्यू निशा, 33 ही लाइक. ओके सो दिस इज निशा, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट कर रही है. निशा की रिक्वेस्ट पे एक बार ध्यान दो. वेलकम एंड हेलो एंड हाउ आर यू माई यंगर ब्रदर. आई एम फाइन. यंगर कौन कौन आ गए, आपके छोटे छोटे भाई आ चुके हैं, उनके लिए सबका नमस्कार प्रिया की तरफ से सभी को. तो यहां हम बात कर रहे थे हाउ टू प्रिपेयर टी. कोई और बताना चाहेगा? यस इफ यू आर रेडी प्लीज वेलकम. स्पीक अ बिट लाउडर, थोड़ा जोर से बोलना है. यस थैंक यू. Today I am going to tell you something about how to prepare a tea. First of all, we need a stove, pan and lighter and put the pan on the stove and light the stove with the help of lighter and pour some water into the pan and wait for some minutes. The water starts boiling and after that we add spice and tea leaves and milk and after that wait for some minutes. The tea starts boiling and after that we add some sugar according to taste and after that wait for some minutes and the tea starts boiling and the tea is prepared and the tea is prepared and serve it hot with the help of sieve and serve it to the guest with the biscuit. That's all about how to prepare tea. Fantastic. Bye. So this is how. बस करना क्या है, सिंपली सेंटेंसेस को बोलना है और बोलते बोलते इसे आदत में शामिल करना है. कैन इट बी डन? यस इट कैन बी डन. यस कुछ सवाल रहे थे. वेलकम एंड हेलो.
कक्षा शुरू होते ही, हाँ ये काम जरूर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करने की आदत बना लीजिए, मेक इट अ हैबिट। ज़्यादातर यूट्यूबर्स यही कहते हैं, ज़्यादातर टीचर्स स्कॉलर्स यही कहते हैं कि आप इसको शेयर करिए ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जिनको पता नहीं कौन सा चैनल देखना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी चैनल पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आती है। तो यहाँ भी आपको सबसे अच्छा क्या मिल रहा है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विद साइकोलॉजिकल पैटर्न, साइकोलॉजिकल मैथड यूज कर रहे हैं, हाउ टू टीच स्टूडेंट दिस इज द बेस्ट पेडागोजी एंड द ट्रेनर हैज गॉट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो 20 साल का मिल रहा है। लक्षित माई फेवरेट, ओके लक्षित इज माई फेवरेट ऑल्सो, ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। तो बात करते समय हमें कॉन्फिडेंस रखना होता है, और ये कॉन्फिडेंस है ना, यही हेजिटेशन भगाता है, isn't it? ओके मैं कर रही हूँ, वेरी गुड, आप करते रहिए, कोशिश करें निशा इसी तरीके से लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों से रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप तैयारी करें, क्योंकि आपकी तैयारी से ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। और तैयारी का क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्या करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वाओ, तो देखो आसान क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड A stove, pen, and lighter. Light the stove with the help of lighter. Add some water into the pan. Wait for some time. The water starts boiling. After some time, add some milk. Spices. And wait for some time. The tea starts boiling. Now add sugar according to taste. Filter it with the sieve. Into cup. And serve it hot with biscuit to the guest. This is your tea. And sip well. And कई बार कहते ना, let's see, slips and sips. इनका एक relation है कि how many slips are there and how many sips are there. So many a sip and many a slip. कई बार sip लेते हैं, कई बार slip हो जाता है. It happens. But tea, preparing tea and making tea and serving tea, it is nowadays a fashion. Already I have subscribed this channel. Thanks Trisha. Tanu is very intelligent girl. Okay. थैंक यू वेरी मच। हाँ, जिन जिन का आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को प्रमोट जरूर करते रहें, क्योंकि ये बड़ी लगन से आते हैं, शिद्दत से आते हैं, और ये सोचते हैं कि हमें भी लोग देखते हैं, और नहीं तो कम से कम ये सीख रहे हैं, और प्रमोट जब कर रहे हैं तो आप एक मोटिवेशन लोगों में इन्फ्यूज कर लेते हैं, डाल देते हैं। यस सर आई मेड टी, वेरी गुड। तो चाय बनाना इतना आसान है। और कोई आना चाहता है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यस मिस्टर शुभम, बिग हैंड्स। Hi. Hello. Today I'm going to tell you something about how to prepare tea. First of all, we need a stove, pen, lighter. Put the pen on stove and light with the help of lighter. And wait for some time. Water starts boiling. And now add some tea leaf, milk, spices, cardamom, ginger, etc. That's all. Fantastic. दिस इज़ द जील। देखिए जितना आपको आता है उतना प्रैक्टिस करिए। कई बार हम सोचते हैं कि पूरा आएगा तो बोलूँगा, नहीं आएगा तो गलत हो गया, तो इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक सेंटेंस बनाया, गलती होते कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, क्या कहेंगे, यस यू हैव टू से आई एम सॉरी। ये कहना भी एटिकेट्स होता है, और एक सेंटेंस आप सीख रहे हैं, और दूसरा आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। सो आप कोशिश करें, ऐसा कहा जाता है Failures are the pillar of success. क्या कहते हैं? Failures are the pillar of success. Yes, आपको सफल होना है तो हमेशा यही नहीं सोचना है कि मैं हर बार ही सफल हूँ। Failures are the pillar of the success. Isn't it? Yes. कार्तिका, हाँ कार्तिका को कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक से ही पता लगता है कि कितने लोगों को क्लास पसंद आ रही है। मुझे कोई छोटी सिस्टर समझते होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। ओके जो भी निशा को छोटी बहन मानते हैं ना, वो निशा की बात मान करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था हमारा चाय बनाना। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। बॉयल वाटर, वार्म अप टी पॉट, पुट टी इनटू टी पॉट एंड एड हॉट वाटर, कवर टी पॉट एंड स्टीप टी
strain tea solids and pour hot tea into tea cups. तो यदि आपको short and sweet चाहिए तो आप ये formula भी अपना सकते हैं. Boil water, warm up teapot, put teapot into teapot and add hot water. Cover teapot and steep tea. Strain tea solids and pour hot tea into teacups. This is how we can prepare tea. अब आपके लिए एक सरप्राइज, और सरप्राइज ये है आपका रूटीन. और रूटीन किन किन को याद हो गया है फटाफट मुझे बता दीजिए कि हमें रूटीन याद हो गया है. और जिन जिनको याद है वो थोड़ा टाइप भी कर दीजिए. देखिए आपको रूटीन किन किन को याद है, बी फास्ट, फटाफट टाइप कर दीजिए. जितने जल्दी आप टाइप करेंगे उतनी जल्दी पता लगेगा कि किनको ये रूटीन आता है. निशा को मैं अपनी एल्डर सिस्टर समझ के लाइक कर दी हूँ. ओके प्रिया, नाइस आइडिया. यस, तो करना क्या है, आपको अपना रूटीन बताना है. किन किन को याद है देखिए फटाफट बता दीजिए. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई सी द पाम, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई डू एक्सरसाइज, आई रिटर्न होम, आई टेक अ बाथ, आई ऑफर द प्रेयर्स, I take breakfast. Very good. I go to school. अब ये दिन तो गए, gone are the days. Student school जाना तो शायद भूल ही गए हैं. Yes, excellent sir. Thanks Priya didi. I work there. उसके बाद कर रहे हैं. I take lunch. After that. I take siesta. Nice. I return home. Good. I watch movie, I watch news, I watch serials. तो ये हमारा रूटीन है. यदि हम इसको फ्यूचर प्लान में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा? वेरी गुड. तो आपको यहाँ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि फ्यूचर में शैल कहूँ या फिर विल कहूँ. तो आज हम क्लियर कर देते हैं. आपको शैल कहना है, मीन्स इट इज क्लियर फ्यूचर. यदि आप शैल कह रहे हैं तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं. और यदि आप विल कह रहे हैं तो आप प्रोमिस कर रहे हैं, मीन्स आप वादा कर रहे हैं. तो आपको यदि प्रोमिस करना है, क्या करना है, प्रोमिस, तो आप विल करें. और ज्यादातर प्रोमिस ही करते हैं तो आप क्या करेंगे, विल यूज करेंगे. और यदि आपको फ्यूचर बताना है, क्या करना है, फ्यूचर बताना है, तो आप शैल करें. और दोनों ही लफड़ों से बचना है तो बड़ा आसान काम है. आपको क्या कहना है, आयल. यस, आई के साथ क्या लगा दीजिए, ये एपोस्ट्रोफी के साथ डबल एल. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब जिसको वादा समझना है वादा समझ लेगा, और जिसको फ्यूचर समझना है फ्यूचर समझ लेगा. इट इज अप टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू. आई गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर लिसनिंग अलार्म. आई वॉश माई फेस, आई गेट फ्रेश, वेरी गुड. आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. फटाफट टाइप करते जाइए, इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी सुधरेंगी, और आदत बनेगी टाइपिंग करते करते बोलने की. सो कौन बताएगा अपना रूटीन फ्यूचर में? यस, व्हाई नॉट, कम विद योर मास्क. ओके ओके, कम ऑन देन. ओके, हाय गाइस, दिस इज लक्षित मास्क इन फ्रंट ऑफ यू, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय डेली रूटीन. सो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल सेट द पाम, आई विल गेट फ्रेश, आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई रिटर्न होम, I do light exercise at home, and I go for play, and I get ready for tuition. I'll go to tuition, and that's all. Very good. This is your future plan. Means future में आप क्या करने वाले हैं? कमलेश कह रहे हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई सी द पाम, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. यू हैव टू टेल अबाउट फ्यूचर, मीन्स आपको इसमें क्या कर देना है, आयल. यस प्लीज, हैव योर सीट. थैंक यू सर. सो आई विल, आयल, क्या करना होगा, आयल. तो यहां से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे यही चीज हमें देखनी है, आई गो टू बेड. दिस इज फ्यूचर टेंस. अब यदि फ्यूचर हम बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर में करना क्या होगा, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो यहां भी हमारे लिए वही चीज है कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में केवल और केवल आपको क्या करना है, बड़ा सिंपली हम सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे. कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म काम में लेते हैं तो यहां भी हम आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे. परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, विच फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म गोन हो जाती है तो इसमें भी हम थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे. इज इट इजी? यस, शुड आई चेंज द कलर? यस.
वेल सो यहाँ हम कर रहे हैं अब परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है पर हमें कंटिन्यूस पे ध्यान देना है. यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं आई एन जी फॉर्म काम में ले रहे हैं. अब देखिए हमें ध्यान किस पे देना है विल और शैल पे देना है. तो विल और शैल का हमने लोचा मिटा दिया है. आपको लगे कि मुझे प्रॉमिस करनी है तो आप विल काम में लें आई और वी के साथ. यहाँ पर्सन सिंगुलर और प्लूरल ऐसा न करके हम पर्सन चेक करेंगे. यहाँ कौन से देखेंगे पर्सन. अब पर्सन आप सभी जानते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द पर्सन. फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो यह हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल काम में लेंगे. क्या काम में लेंगे शैल. अब फर्स्ट पर्सन आई और वी ये दो होते हैं जो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं. कौन होंगे आई एंड वी. तो इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. आर यू गेटिंग मी. यस आई एम गेटिंग यू. वेरी गुड. आई एम रीडिंग. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम प्रोमिस. नो आई प्रोमिस. एम इसमें बीच में नहीं आएगा. तो हम पर्सन की बात करेंगे तो आप जब भी यहाँ सेंटेंस बनाना चाहेंगे हिंदी वाक्यों में हम कहते हैं मैं कल वॉइस पढ़ाऊंगा. अब देखिए ऐसा सेंटेंस मेरे पास यदि है और ऐसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कल वॉइस पढ़ाऊंगा तो ये कल भी जो है ना आने वाला कल होगा. ठीक है इसको हम आने वाला कल कहेंगे और आने वाले कल को हम कहते हैं टुमोरो. क्या बोलेंगे टुमोरो. तो टुमोरो आई विल. आप टुमोरो से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आई विल से स्टार्ट करेंगे. यदि आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे आई विल टीच वॉइस टुमोरो. एम आई राइट. यस. इस तरीके से हम क्या करेंगे आई विल टीच वॉइस टुमोरो. अब हमने वादा किया तो मैंने विल ऐड किया जबकि हम क्या देख रहे थे कि आप टेंस बताने के लिए शैल का यूज करोगे. अब आप शैल यूज करते हो सो नो प्रॉब्लम आई शैल. बट लोगों को ये लगेगा कि शायद ही ये पढ़ाएगा बस फ्यूचर बता रहा है. तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं आई और वी के साथ विल यूज करते हैं. बाकी रिवर्स हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज करते हो और बाकी इन सेकेंड और थर्ड के साथ क्या यूज करोगे विल. तो जब आप यू विल ही विल शी विल करते हो तो ये प्रॉमिस ना होकर के क्या होगा टेंस बता रहे हैं. और यदि उल्टा आप इनको यूज करोगे तो ये प्रॉमिस हो जाएगा. आई डू एवरी डे. आई एम कुकिंग. आई विल टीच वॉइस टुमोरो. वेरी गुड टी आर रिंका अलारिया. थैंक यू वेरी मच त्रिशा. थैंक यू टी आर. तो जो जो इस चीज को समझ पा रहे हैं फ्यूचर टेंस. टेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम. यदि आप टाइम के अकॉर्डिंग एक सवाल मेरा कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है या वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम बदलता है फटाफट बता दीजिए. जैसे मैंने यहाँ विल टीच कर दिया तो टाइम बदला है या फिर वर्ब बदली है. क्वेश्चन ये है एक बार फिर से सुनिए कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है या वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम बदलता है. त्रिशा आई हैव विद पटेल. आयुषी विल. ओके ओके. तो यहाँ जवाब आ रहा फटाफट बता दीजिए. देयर आर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर इन द ईयर. वेरी गुड. तो टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्ब बदल रहे हैं या वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम बदल रहे हैं. आई सेल द पाम. आई सेल सी द पाम. निशा क्या होगा आई सेल सी द पाम. आई सेल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई सेल गो फॉर मॉर्निंग वॉक. और आपको लगता है कि शैल और विल में कन्फ्यूजन है तो बोले डायरेक्ट आई एल कॉल यू बैक. टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब. वेरी गुड कमलेश. टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब. वेरी गुड रिंका. टी आर रिंका मीन्स टीचर. वेरी गुड. देर आर 7 डेज ऑफ इन द वीक. ऑफ इन द वीक. ऑफ हटा दीजिए इन द वीक रहने दीजिए. देर आर 7 डेज इन द वीक. रुचि जांगिड. आई विल. टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब बदलते हैं. फैंटास्टिक. टाइम के अकॉर्डिंग जब वर्ब बदलती है उसी को हम टेंस कहते हैं. तो यहाँ हमने सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है और कन्फ्यूजन को निकाल के बाहर फेंक देना है. कहां फेंक देना है आउट. कंफ्यूजन किसी नाम का नहीं रखना है. विल और शैल. किसी को कंफ्यूजन है तो रेज योर हैंड. टाइम के अकॉर्डिंग पटेल अनिरुद्ध. वेरी गुड पटेल. आयुषी टाइम के अकॉर्डिंग होगा. टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है. निशा बता रही है. पटेल बता रहे हैं. त्रिशा शर्मा. आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमोरो. डेफिनेटली यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप जितना जल्दी उठेंगे आपका काम उतना जल्दी हो जाएगा. Am I right? Yes. टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है. तो टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है उसी को हम टेंस कहते हैं. टेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम. Isn't it? Yes, yes, sir. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. Do you know how to prepare tea? Yes, sir, I know how to prepare tea. Do you know how to boil the water? Yes, I know how to boil the water.
Do you know how to light the straw? Yes, I know how to light the straw. Do you know how to filter the tea into the cups? Yes, I know how to filter the tea. I know how to filter the tea into the cups. Kya bolenge? I know how to filter the tea into the cups. Fantastic. तो यहाँ हमने कहा कि future tense को यदि हमें समझना हो तो उसी तरीके से जैसे सारे tense होते थे, there are four parts of every tense is divided into four parts. The first one is simple, the second one is continuous, the third one is perfect, and the last one is perfect continuous. That's all about tenses. That's all about tenses. That's all about tenses. Sir, your teaching way is good. Thank you, Patel Anirudh. ये चीज आप अपने status पे लगाइए और कहिए कि एक unique method के साथ पढ़ना सीखिए. क्या लिखना है? एक unique method के साथ पढ़ना सीखिए. कितने दोस्त इस channel पे आते हैं देखते हैं. Yes, 7 days is equal to 1 week. Very good. So ये time की बात कर रहे थे. Simple, continuous, perfect and perfect continuous हो गया. Simple बोले तो first form. जैसे यहाँ हमें go लेना है तो हमने लगा go. Continuous बोले तो going. Perfect बोले तो gone. और perfect continuous बोले तो again continuous को follow करें और क्या लिखेंगे? Going. यहाँ helping verb I और we के साथ लगेगी तो मैं I'll क्या लगा दूंगा? I'll go. अब देखिए यहाँ क्या होगा? I'll be going. आपको will shall के साथ be और लगाना पड़ेगा. I'll be going. अब यहाँ क्या करेंगे? I'll तो लगेगा ही रहेगा. Have आपको और लगाना होगा. I'll have gone. I'll have gone. मैं जा चुका होऊंगा. I'll have gone. मैं पढ़ चुका होऊंगा. I'll have studied. क्या कहेंगे? I'll have studied. मैं ऑपरेट कर चुका होऊंगा. I'll have operated. मैं समझ चुका होऊंगा. I'll have understood. क्या कहेंगे? I'll have understood. मैं आ चुका होऊंगा. I'll have come. I'll have gone. I'll have come. I'll have seen. Yeah, I'll have understood. So I'll or have. I'll have. I will have. तो हम यह कह रहे हैं I'll go. मैं जाऊंगा. I'll go. नहीं जाऊंगा. I won't go. क्या कहेंगे? हाँ, will और not को मिलाते हैं तो बन जाता है want. मैं नहीं जाऊंगा. I won't go. मैं नहीं बोलूंगा. I won't speak. मैं नहीं सीखूंगा. I won't read. मैं नहीं सोचूंगा. I won't think. क्या कहेंगे? I won't think. तो आप will और not को मिला दोगे तो हो जाएगा want. क्या कहेंगे? Want. I won't understand. I won't understand. मैं नहीं समझूंगा. I won't understand. मैं नहीं हिलूंगा. I won't move. मैं नहीं हिलाऊंगा. I won't shake. सुना है शेक? जैसे आपके पास हाँ ये बोतल है, आप इसको कर रहे हैं शेक. क्या बोलेंगे? I'll not. I won't. Yes, I do agree with you. I'll go. हाँ, तो जो जो इस टेंस को समझ पा रहे हैं प्लीज ठोको लाइक. हाँ, लाइक ठोकते जाओ. रुकना घबराना बिल्कुल नहीं है. Who cares? क्या कहते हैं? Who cares? I don't care. Do you care? Never. I don't care. I didn't care. I won't care. न कभी परवाह करी, न कभी परवाह करते हैं और न कभी परवाह करेंगे. मैं तो कह रहा हूँ टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है. English is child's play. क्या कह रहे हैं? English is child's play. It is bound to come. I will speak in English. I'll think in English. I'll think in English. I'll write in English. I'll write in English. I'll read in English. I'll read in English. Stop if you can. Because. I'm the best. I'm the champion. I'm the best. I'm the champion. यहाँ हम future की बात कर रहे हैं कि मैं लिखूंगा. I'll write. मैं जाऊंगा. I'll go. मैं नहीं जाऊंगा. I won't go. I won't go. Please have your seat. Thank you, sir. I will want नहीं होगा. I won't shake the bottle. I won't go. I won't speak. I won't eat. Very good, Nisha. समझ में आ रहा है? दोस्तों ये जो ग्रामर है ना, ग्रामर ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट. सल्यूट टू द कंट्री. मेरे पास एक आइडिया है. चलो बात करते हैं. सर आपके स्टूडियो के नंबर मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल चल रहे हैं ना. देखो स्क्रीन पे स्टूडियो के नंबर चल रहे हैं. रिंका स्टूडियो के नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं. आप चाहें तो आराम से इन पे बात कर सकते हैं. एड्रेस हमारा है जो दिखाई दे रहा है आपको, नवलगढ़ रोड का. कोचिंग के नंबर चल रहे हैं.
I'll go. I'll go. Well, easy है. I won't go. मैं नहीं जाऊँगा. I won't go. She won't go. She won't go. अब देखो, shan't, shall not, will not, won't, shall not, shan't. She shan't go. She shan't go. Yes, वहाँ promise करेंगे. She shan't go. She shan't go. Future बताएंगे. She won't go. She won't go. Will you go? Will you go? She won't go. Will you go? She won't go. Will you go? Will you go? I won't go. I won't go. मैं नहीं लिखूँगा. I won't write. मैं नहीं बोलूँगा. I won't speak. Will you speak? I won't speak. Will you keep silence? No, I won't keep. क्या कहेंगे? I won't speak. I will speak. I will speak. You will speak. You will speak. She will speak. She will speak. He will speak. He will speak. Stop. Stop. If you can. Stop if you can. Can you stop me? Yes, I guess no. I won't. मैं नहीं रोकूंगा. I won't. Please have your seat. Thank you, sir. Wow. Students बढ़ते जा रहे हैं तो आपका शेयरिंग कमाल कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. और सबसे ईजी वे क्या है, आप अपना स्टेटस लगाइए. और स्टेटस का मतलब YouTube तो लगाएंगे ही लगाएंगे, आप अपने रिकॉर्डिंग खुद करिए. अपने रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो स्टेटस पे लगाइए. वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब हम करेंगे मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग. क्या कहेंगे? I'll be going. मैं लिख रहा हूँगा. मैं डांस कर रहा हूँगा. I'll be dancing. I like dancing. I like jumping cats. क्या कहते हैं? Perfect. I'll have gone. I'll. हाँ, बोलना सीखे. आपकी टंगी तो ट्विस्ट नहीं होती, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. टेंस तो सभी को आते हैं ना. I'll gone. I'll have gone. You'll have gone. She'll have gone. Yes, she'll. She'll have gone. She'll have gone. Seema, very good. Seema, बड़ी देर कर दी बेटा आते आते. Sharda, excellent. Nisha, very good. Okay. Sek, Usman. I like it. तो जिन जिन को पसंद आ रहा है लाइक ठोकते जाओ, कमेंट करते जाओ. अब हम बात करते हैं परफेक्ट में. परफेक्ट में दो दो टेंस मिले हुए रहते हैं. एक तो परफेक्ट में सिंपल टेंस रहता है प्रेजेंट का, और एक मिला हुआ रहता है ये परफेक्ट आपका. इसमें कुछ चीजें ऐड रहती है, जैसे बिफोर है, आफ्टर, व्हेन, ऐसे करके सेंटेंस जुड़ते हैं. तो जब बड़े सेंटेंस होते हैं तो वो परफेक्ट का हो जाता है, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा. बहुत अच्छा सेंटेंस है. इसको पढ़ते पढ़ते हम बड़े हो गए और पढ़ाने लग गए. आई लाइक दिस क्लास वेरी मच. मीता, थैंक यू मीता. त्रिशा शर्मा, आई विल बी गोइंग. आई विल रीड. उस्मान, अब देखिए, जिन जिन को समझ में आ गया और बोलने भी लग गए और सामने वाले भी समझ गए, तो इसको हम कहते हैं कि हम में चेंज आने लगा है. आई एम द बेस्ट. डेफिनेटली यू आर. आई एम द बेस्ट. आई एम द चैंपियन. यस, चैंपियन की स्पेलिंग और सीख लीजिए शारदा, बड़ा मजा आ जाएगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या कह रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखिए, यहाँ आपको परफेक्ट वाला तो सारा काम लेना ही है, और यहाँ एक चीज और. यस, हैव बीन. सो आई हैव बीन. यहाँ देखिए, आई, फिर विल, हैव और बीन. आई हैव बीन. क्या कहेंगे? आई हैव बीन गोइंग. और वही आपका सिंस और फॉर. क्या कहेंगे? सिंस एंड फॉर. आप सिंस काम में ले रहे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम काम में लेना है. फॉर काम में ले रहे हैं तो आपको पीरियड काम में लेना है. पीरियड होता है समय की अवधि, कि ये 4 घंटे से पढ़ा रहा है, ये अवधि है, 4 साल से पढ़ा रहा है, कई दिनों से पढ़ा रहा है, ये लिख रहा है इतने दिनों से, ये पीरियड कहलाता है. इनके लिए हम फॉर बोलते हैं. फॉर मैनी डेज, फॉर फोर ईयर्स. और जब आपको फिक्स टाइम हो जाएगी, मंडे से पढ़ा रहा है, जनवरी से पढ़ा रहा है, 4 जनवरी से पढ़ा रहा है, बर्थडे से पढ़ा रहा है, लास्ट दिन से पढ़ा रहा है, तो लास्ट सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम है. आपके पास कन्फ्यूजन होना कि फोर लगाऊं या सिंस लगाऊं, तो लास्ट टिका डालो किसी के साथ भी. लास्ट 4 डेज, लास्ट 15 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, आप सिंस लगाएंगे. सिंस लास्ट संडे. क्या कहेंगे? वेरी फना. हो ईस्ट और वेस्ट. कुलदीप सर इज द बेस्ट. आज मजा आ गया. आई लाइक इट. ये हुई ना बात. आई लाइक इट. कौन बालक है ये जिसने कुलदीप सर को बेस्ट कहा है? होता है, होता है. आई लाइक इट. ईस्ट और वेस्ट. इंडिया इज द बेस्ट. सल्यूट टू द कंट्रीज. सल्यूट टू द पेरेंट्स. क्या कहते हैं? सल्यूट टू द पेरेंट्स. माता पिता को सलाम है जिन्होंने ऐसा सपूत पैदा किया है. Isn't it? Yes, it is. अब दहाड़ेंगे जोर से. आई लाइक इट. क्या कहेंगे? I like it. मेरे पास एक आइडिया है. सर, बचपन से को क्या बोलेंगे? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड. हाँ, बचपन को चाइल्डहुड बोलते हैं, तो आप सिंस लगाइए ना. सिंस चाइल्ड और हुड और लगा दीजिए उसके, ताकि बाहर नहीं निकले. चाइल्डहुड. क्या कहेंगे? चाइल्डहुड. यस, आपका ये बचपन पूरा हो जाएगा. वेरी फैंटास्टिक क्लास. थैंक यू वेरी मच. तो ये था आपका फ्यूचर टेंस.
आपका फ्यूचर तो अभी बनाएंगे हम, और वो 30 डेज के चैलेंज में, कल जो महा से कह रहे थे 30 डेज नॉट इनफ, ही वॉज राइट और शी वॉज राइट, 30 डेज इनफ नहीं है, वेल बिगन इज हाफ डन, आपने शुरुआत कर दी है, सबसे अच्छी ये चीज़ है। और जब से ये जो वीडियो वायरल होगा, जब लाखों लोगों के पास होगा, तब मज़ा आएगा। हम कोर्स को फिर लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च करेंगे, एंड उस दिन कहेंगे वी हैव डन इट। क्या कहेंगे? वी हैव डन इट। तो साथियों, आपका सहयोग बहुत अच्छा है, लाइक बढ़ते जाने चाहिए, शेयरिंग बढ़ते जाने चाहिए, व्यूज आने चाहिए, और घबराइए मत, नेट का डबल रिचार्ज करवा लीजिए और क्लासेस भी देखते रहिए। चाइल्डहुड शेख उस्मान मीता, वेरी गुड, ये हुई ना बात, वाह। आई विल हैव बीन, क्या बोलेंगे? आई विल हैव बीन। अब मैं देखो सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, कल की बात कर रहा हूँ। आई विल हैव बीन, क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा तो बोलते बता दीजिए, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश। रोकिए मत अपने आप को, चलने दीजिए, गलती होती है होने दीजिए, हु केयर्स, क्या कहेंगे? हु केयर्स। और एक बात बताऊं, गलती होगी नहीं, यदि आपने करेक्ट सुना है आप करेक्ट बोलेंगे, हो सकता है टंग ट्विस्ट नहीं हो, हो सकता है आप अटक जाएं, बट गलती से ना, गलती होती नहीं है। गलती कब होती है? जब आप अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो मैं यही तो कहता हूं दोस्तों, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, कोई बड़ी अवधि नहीं है, आप मेरे सेंटेंस सुनिए, मेरे सेंटेंसेस बोलिए, ताकि कभी आपको ये कोई नहीं कहे, माइंड योर लैंग्वेज। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डू यू एग्री विद मी? यस, आई डू एग्री विद यू। आई डू एग्री विद यू। आई डू एग्री विद यू। तो ये था आपका टेंस, और अब समय हमसे विदा लेना चाहता है, क्योंकि और लोगों की भी क्लासेस होती है। तो आप हमेशा खुश रहिए। 2 मिनट्स आर रिमेनिंग। ओके, तो स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अभी 2 मिनट्स शेष है। इट इज 2 minutes to close the क्लास। क्या बोलेंगे? इट इज 2 minutes to close the क्लास। पर कई लोग कह रहे हैं इट इज हाई टाइम। क्या कहते हैं? इट इज हाई टाइम। नो सर, आई एम नॉट अग्री योर ओपिनियन, प्लीज कंटिन्यू दिस क्लास। ओके ओके ओके, आई विल कंटिन्यू। आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। यस, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। माई टंग इज नॉट टिश्यूज, टंग ट्विस्ट, या ट्विस्ट करनी जरूरी है, तो एक बार ट्विस्ट करके देख लीजिए, अपर रोलर लोअर रोलर बोल के देख लीजिए। हाँ, अपर, इट्स हार्ड नट टू क्रैक रोलर, आपको ये बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। क्या बोलना है? टंग ट्विस्ट होने लग जाएगी। ये है लोअर, लोअर रोलर, रोल रोल, रोल से बना है रोलर। क्या बना है? अपर, ऊपर वाला अपर। क्या बोलेंगे? अपर। लोअर, लोअर। ये जो नीचे पहनते हैं उसको भी लोअर बोलते हैं, नीचे वाले को भी लोअर बोलते हैं। अपर, अपर, लोअर, लोअर, अपर, अपर, लोअर, लोअर। तो आपको एक्सेंट सही करने हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाइस टू मीट यू सर, सेम हियर, नाइस टू मीट यू सर। टंग ट्विस्ट को के लिए क्या करें? टंग को ट्विस्ट करने के लिए प्रैक्टिस करें। आप जैसे अभी मैं दे रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 22 तक के वीडियो को बस आप हेडफोन लगाइए और सब कुछ भूल जाइए, मेरे सेंटेंसेस को रिपीट करिए, रिपीट 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 एंड रिपीट, और घर वालों के टेंशन फ्री रहिए। नाइस टू मीट यू सर, सी यू अगेन, नो नो, सी यू सो लॉन्ग। क्या कह रहे हैं? सी यू सो लॉन्ग, मिलते रहेंगे। कई लोग कहते हैं जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, और मैं तो कहता हूँ मिलते हैं तभी जिंदा है। एम आई राइट? Yes, you are absolutely. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. Well, upper roller, lower roller. क्या कह रहे हैं? Upper roller, lower roller. Upper roller, lower roller. क्या कहेंगे? Upper roller, lower roller. हाँ, lower. क्या बोलेंगे? Upper roller, lower roller, lower roller. Upper roller, lower roller. Yes. लोगों को दीजिए. It's very funny sounds. Okay. Thanks, sir. चिमटे से पकड़ कर बोलें। यस, आई डू एग्री विद यू। चिमटे से पकड़ के ये क्या? अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। आई लाइक इट। आप लाख में बोलने की कोशिश करें, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वेरी गुड। सर जी, मेहरमान आए हुए हैं इसलिए लेट हो गई। ओके, मेहमान को भी साथ दिखा लेते, बड़ी स्क्रीन पे चला देते कि आप भी देखिए भाइयों, मैं सब कुछ मिस कर सकती हूँ, मेहमान हो
पर मैं इसको मिस नहीं करना चाहती. Isn't it? Yes, it is. Very good. आप आए, बहुत अच्छा लगा. क्लासेस इसी तरह से लेते रहिए और देखते रहिए क्लासेस. अब सेंटेंसेस हमारे पास और बचे हुए हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए आप यही तो कहते हैं ना कि हम चार प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इतना कुछ आप कर लेते हैं तो आपके टेंस क्लियर हो जाते हैं, और फिर भी नहीं हो तो फ्यूचर प्लान बनाने में लग जाइए. तो कल का काम क्या होगा, जो मीटिंग पे आते ही आपको अपना फ्यूचर प्लान बता देना है. Isn't it? Yes. Yes. तो कोशिश करें कि हमें जूम नहीं छोड़ना है. Yes. इस मीटिंग से ही आपका फ्लुएंसी का पता लगेगा और आपके दोस्त आपको जान पाएंगे. Isn't it? Yes, it is. Yes, it is. क्या कहेंगे? Yes, it is. गुरुदेव प्लीज एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. अपर रोलर, लोअर रोलर. यस, इट वेरी इजी. अपर रोलर, लोअर रोलर. कैसे बोलना है? अपर, यस, अपर रोलर, लोअर रोलर, 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 अपर रोलर, लोअर रोलर. आई एम सॉरी, इट हैपन्स. बाय सर, बाय, सी यू. एक छोटी सी गुजारिश तो है सी यू से पहले, ये क्या कह रही है? बाय. हाँ, वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Catch you in the next video. Till then, happy learning. Bye-bye. Bye.